गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी छोटी सी हरी भरी बगिया में। ये देखिए, मनी प्लांट इस समय मेरा बहुत अच्छे से सरवाइव कर रहा है और बहुत अच्छे से ये ग्रो कर रहा है। पिछला वीडियो जो मैंने एक महीने पहले बनाया था, उसमें आपको कच्चे दूध वाला फर्टिलाइज़र बताया था जो कि प्लांट्स को देना है, स्प्रे करना है और थोड़ा मिट्टी में भी डालना है। उसका रिज़ल्ट देखिए, उसके बाद से मैंने कुछ भी नहीं डाला है। बस जब बारिश हुई है तो ये सारे प्लांट्स मैंने बाहर निकाल के रख दिए हैं, पहले शेड में रखे हुए थे। और देखिए, जो कटिंग लगाई थी सिंगल लीव से कटिंग लगाई थी, और देखिए कितने बुशी और कितनी पत्तियाँ लश ग्रीन हैं। ये फुल सनलाइट में रखा हुआ है मेरा ये गमला, और अभी की सनलाइट तो इनको चल जाएगी, सिर्फ अप्रैल से जून तक की जो बहुत हार्श सनलाइट होती है उससे बचाना होता है, इस समय की ये बर्दाश्त कर ले जाते। देखिए कितनी खूबसूरती से इनकी पत्तियां दिख रही हैं, और इनका कलर देखिए। ये मेरी मधुमालती की बेल सूख गई थी, उसी में इसको मनी प्लांट को मैं चढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। और आप भी ये कच्चे दूध का फर्टिलाइज़र दीजिए। और कुछ लोग कहते हैं कि मेरा मनी प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करता है, वो बुशी नहीं होता है, उसका कलर भी अच्छा नहीं आता है पत्तियों का, तो मेरे कहने पे आप एक बार ये फर्टिलाइज़र यूज़ करके ज़रूर देखिए, इसका आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, ये मेरा वादा है। और आपसे फिर एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि मेरे व्यूज़ तो बहुत आते हैं पर सब्सक्राइबर मेरे नहीं उतने बढ़ते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे इस चैनल को में और जो भी मेरा नया वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, मुझे मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलता है। और आपका तो कुछ नहीं जाएगा पर मेरा चैनल ग्रो करेगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाएंगे। तो देखिए, ये मॉस स्टिक मैंने घर पे ही बनाई थी, कि किसी वीडियो में फिर आपको शेयर करूँगी कि ये फ्री की मॉस स्टिक कैसे बना सकते हैं। बाज़ार से भी ले सकते हैं पर वो थोड़ी कॉस्टली जाती हैं। ये देखिए, छोटे छोटे जो ये 8 या 10 इंच के जो मेरे पॉट हैं, ये पूरी तरह से भर गए हैं। पुराने वीडियो से कंपेयर करिएगा तो इस समय इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है, जो देखते ही बनती हैं इनकी खूबसूरती, तो मन खुश हो जाता है। ये देखिए कितना छोटा सा पॉट है मेरा, ये लगभग 4 या 5 इंच का होगा, और उस समय जब पहले वीडियो में दिखाया तो उतना इस तरह से ग्रो नहीं किया था, और अब ये बहुत अच्छे से हो गया है। जो छोटे छोटे टब में लगाए थे हमने मनी प्लांट, वो भी बहुत अच्छे से ग्रो कर गए हैं, और उन्होंने फुल एरिया कवर कर लिया है अपने। अब वो मेरे हैंगिंग पॉट के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं, किसी दिन हैंगिंग उनकी रस्सियाँ जोड़ के उनको हैंग कर देंगे, वो भी वीडियो आपको शेयर करेंगे कि घर में बहुत लो कॉस्ट में कैसे हम हैंगिंग प्लांटर तैयार कर सकते हैं। तो इसकी देखिए कितने खूबसूरत हैं ये, और इनका कलर देखिए बिल्कुल जंगल सा हो गया है मनी प्लांट तो, ये देखिए है ना, बेहतरीन है, और पहले से कितना ज़्यादा चेंज हो गया है। और ये देखिए, ये पूरे ये शेड में रखे हुए हैं, इनको सनलाइट नहीं मिल रही है, बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, पर इनके जो पत्तियों का जो वेरिएशन है, देखिए डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं ये बहुत अच्छे से आ रहे हैं, और ये इसलिए क्योंकि इनको लाइट मिल रही है, प्रॉपरली लाइट मिल रही है, तो इनका ये वेरिएशन है जो शेड पत्तियों में आया ये बहुत अच्छा आ रहा है। ये देखिए, इसमें भी ये सब सिंगल लीव से लगाए गए हैं, और अब पूरे पूरे पॉट को इन्होंने भर लिया है, और ये अब कहीं भी रखेंगे तो कितने सुंदर लगेंगे। तो जिनका नहीं मनी प्लांट ग्रो कर रहा है, एक बार मेरे कहने से कच्चे दूध को 1 लीटर में लगभग 3 या 4 चम्मच दूध मिला के उसका स्प्रे करिए और मिट्टी में डालिए, देखिए उसका 15 दिन में उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। बस इनको ज़्यादा सनलाइट में नहीं रखना है, शेडी एरिया में रखना है जहाँ पे ब्राइट लाइट है। ये तो मेरे फुल सनलाइट में रखे हुए हैं, पर अब धूप थोड़ा तेज़ होती जा रही है तो इन्हें शेड में करना है। और इस तरह से मेरा पूरा मनी प्लांट का जंगल खड़ा हुआ है, बहुत सुंदर लगता है जब ये सारे प्लांट एक साथ देखते हैं, तो बहुत खुशी मिलती है अपनी मेहनत पर।